ये भाई 350 का है। कोई रूल रेगुलेशन का चक्कर नहीं है, नाइजीरिया ही है। करारे नोट निकले हैं 1-1,000 के। तो भाई हम जा रहे हैं बजाज आरी पे, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। भाई ये नशेड़ी है, ध्यान से, गाय का मीट बेच रहे थे भाई, सारी गाय काट रहे। हम अभी रुके हैं कानो की कुर्मी मार्केट में। कानो जो है बहुत ही पुराना शहर है, यहाँ का बहुत ही सदियों साल पुराना शहर है। और ये जो मार्केट है ये भी बहुत 100 से ज़्यादा साल पुरानी मार्केट है, यहाँ के लोगों ने बताया। और यहाँ के जो लोग हैं, जो थोड़ा सा यहाँ पर डर सा लग रहा है वीडियो बनाते हुए, थोड़ा घूर घूर के देख रहे हैं और एतराज़ सा भी कर रहे हैं वीडियो में। ये एक शॉप है यहाँ पे, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। India is good. Yes, yes. Quality. Made in India. India. ज़्यादातर जो वीडियो है वो अपनी तरफ ही बनानी पड़ेगी भाई, कैमरा का फेस करके, क्योंकि किसी की तरफ अगर कैमरा का फेस किया जा रहा है तो थोड़ा सा एतराज वाला काम है। होम अप्लायंसेज की दुकानें हैं और जितना भी सामान है ज़्यादातर मेड इन इंडिया है यहाँ पे। ब्रो भाई, ये यहाँ इनकी लोकल मार्केट है। बेर बेच रहे हैं। हाउ मच? ओके, समझ नहीं आया भाई, पर बेर बिक रहे हैं। स्नफीज। Big head to hungering head, you know. That's really, why. Really, I appreciate. Thank you. If you looking something that's impressing you, you have to ask someone. I want to snap this one. He may allow you. Okay. Thank you. एक बात है, यहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं। और नाइजीरिया ऐसा एक देश है जो यूएस और इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा इंग्लिश यहाँ पर बोली जाती है। तो यहाँ पर जो छोटे से छोटा बच्चा भी है या नॉर्मल इंसान इंग्लिश में बात कर लेता है, अच्छी नहीं बोलेगा तो आपका काम चला देगा। अब यही चक्कर हो रहा था यहाँ पर कि अगर किसी की तरफ वीडियो करके बना रहे हैं तो वो उसी वक्त ही टोक देता है, अपनी तरफ की हुई है, पीछे से बाजार दिख ही रहा है तो पीछे से देखते रहो भाई। थोड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर, खतरनाक जगह है, लोग बाग घूर के देख रहे हैं और बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे कि उनकी तरफ वीडियो जाए। तो अगर कोई नहीं पसंद कर रहा तो हम नहीं बनाएंगे उसकी तरफ वीडियो, अच्छा नहीं लगता। सारा मसाले का बाजार है पीछे, मतलब बिल्कुल ही लोकल मार्केट है जो इनकी, जैसे हमारे वहाँ लोकल बाज़ार होते हैं। ये देख लो भाई, ये लोग ये खा लेते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हर साल बीमारी से मर जाते हैं भाई, बहुत सारे, और उसकी वजह ये है अनहाइजीन होना। इसीलिए मैं फूड की वीडियो नहीं बना रहा, मतलब खाना ही मैं उसी जगह खा लेता हूँ जहाँ पर जैसे घर का खाना हो। ज़्यादातर तो मैंने भैया के घर में ही खाया, और एक जगह कल चिकन रिपब्लिक पे खाया था, रात को फिर इंडियन रेस्टोरेंट पे खा लिया। तो स्ट्रीट फूड वगैरह भाई मैं कोई यहाँ ट्राई नहीं कर रहा अभी तक, और शायद ना करूँ क्योंकि हालत आपने देख ली है फूड वगैरह की। वैसे भी कोई फूड फेमस है नहीं नाइजीरिया का। सन्नो भाई, ये चिकन शॉप है। मक्खियाँ खाएँ हम खाएँ, मक्खियाँ खा रही हैं भाई, तो इसीलिए स्ट्रीट फूड कुछ भी खाना नहीं है। और ये हालात देख लो, अचानक आ गए। हाय हाय, नमस्ते।
नमस्ते भाई, नमस्ते कर रहा था। ये भाई विच मीट इज दिस बीफ? नमस्ते Want to say something? Yeah, I want. Yes, please. Please what? You want to say something? Oh, no. Okay. It's not my business. That's why I don't want to say anything. You're not. How are you? I am good. What about you? I'm fine. Nice. Where are you coming from? India. India? Yes. Wow. Thank God. Thank you. You are from India. Yes. You are a good man. God bless you. I knew. Thank you. Thank you. But actually, कानो जो आना है, वैसे भी आप कानो by air ही आ सकते हैं. By road अगर आए, तो मतलब बिल्कुल ही भगवान मालिक है. जिसे भी पता लग रहा है कि हम by road आ गए, तो एक तो बहुत हैरानी मान रहा है. ऊपर से हमारे को बहुत मतलब सुना रहा बातें कि बहुत गलत काम किया भाई, नहीं आना चाहिए था. Can I make video? Sweet potato. Yeah. What is this? Shakarkandi. Sweet potato. Potato, sweet potato. No boys. Potatoes, potatoes. Thank you. Nagode. Lal mirchi. बाय बाय। ये भी बिक रहा सामान यहाँ पर पुराना, सारा जुगाड़ तुगाड़ का ही सोता है. हेलो ब्रदर, कबाड़ी की दुकान है. कोई रोक रहा है, कोई कहता बना लो वीडियो. कबाड़ी की दुकान है. व्हाट इज दिस? गुड़गट्टा. ये गुड़गट्टा, हमारे वहाँ गुड़गट्टा बोलते हैं. गुड़गट्टा भी बिक रहा है. थैंक यू. व्हाट इज दिस? मौसमी. मौसमी बेच रहा भाई. ये भाई भी कुछ बेच रहा है. व्हाट इज दिस? पता नहीं भाई, किसी को पता लग जाए तो बता देना ये क्या बेच रहा है. बाकी मैं कुछ ट्राई करने नहीं वाला, हालात आप देख ही रहे हो. ट्राई करने लायक है नहीं, नहीं तो ट्रैवल करने लायक नहीं रहूँगा. इंडिया इंडिया, चलो भाई, इंडिया को लोग पहचानते हैं. मेरे लिए तो यही खुशी की बात है और आपके लिए भी होनी चाहिए. अब भाई थोड़ा सा और ख़तरनाक जगह पे एंट्री की है. ये सारा असलम है. स्क्रैप मार्केट है भाई, सारा पता नहीं क्या मीठा बेच रहा है. अस्सलाम वालेकुम. गन्ने बेच रहा है. गधे. Assalamu alaikum. How are you? I am good. What about you? I'm all right. Nice to know. Nice to know. Take care. God bless you. भाई ऐसे ही बनेगी वीडियो. पीछे देखते रहो, मुझे मत देखो. सोचो मैं नहीं हूँ, ठीक है ना? नहीं तो मुंह पे करते ही तो पकड़ने से को भाग रहे हैं. Assalamu alaikum. नमस्ते. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? हाउ इज वर्क गोइंग ऑन? एवरीथिंग नाइस 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 गुड. गॉड ब्लेस यू. मूंगफलियां सुखा रहे हैं भाई.
दिक्कत है ना। ये मेरे साथ ही खड़े इतनी देर से सारे, कोई ना कोई बच्चा आ जाता है जैसे वीडियो बना रहे हैं। एक ये रहा कैमरा भी तो मेरा ऐसा लगता है बंदूक की तरह, इनकी तरफ करते ही भागने को हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? या काके? गुड गुड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, रोहित साहब। ओ भाई लोहे का लीवर ले रहे हैं, दैया साहब ट्राई कर रहे हैं, शाबाश। मेरे को लग रहा है चार बार तो धुलवाई आपने, ये इतनी साफ मौसमी तो नहीं देखी मैंने यहाँ। ये इंसेंस होती हैं जो जला के थोड़ी सी खुशबू कर लेते हैं ये। बच्चे पता नहीं कहाँ से हैं इतने सारे यहाँ यार, बच्चे बहुत हैं। वो बेटा क्लोजअप भी बिक रहा है, ओरल भी, इन्नी सब नकली हैं, प्रोमिस दहा भर। चलो हमारे इंडिया की नकल करते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। और ये ऐसी हैं देखो, ये हो रहा है मेरे साथ देखो। ये है भाई देख लो सीन, दिस इज अफ्रीका नाइजीरिया, यू आर इन नाइजीरिया, नाइजीरिया एंड इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, ओके इंडिया नाइजीरिया 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 इंडिया इंडिया, यस नागोडे नागोडे, अस्सलाम वालेकुम, एंजॉय एंजॉय। बच्चे सही मजे ले रहे हैं भाई। राम 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 जी राम 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 जी राम राम जी। कमाल है कमाल। सन्नू 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 या काके मुझे 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 अंजुमा से अंजुमा तेंजुमा कहते हैं, फिर मिलेंगे। मेरा मन था कि मैं इन बच्चों को कुछ पानी वगैरह या कोक वगैरह ले दूं, ये मेरे साथ थे बहुत देर से और ये लाइन लंबी होती जा रही है। कोई बात नहीं बेटा, मल्होत्रा साहब है, चिंता ना करो। आठ मतलब दर्जन बाट दी, 100 से ज़्यादा, और फिर भी बच्चे आए जा रहे थे पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो फिर इन्होंने बोल दिया, कह रहे भाई निकल ले अब, ये आते ही रहेंगे, और वाकई पता नहीं कितने आ गए थे। बेरोजगारी मतलब हद से ज़्यादा है। चलो खैर क्या करें, भगवान भाई इनको भी खुश रखे और आने वाले टाइम में काम दे, इन्हें सस्ती दे, नशे नुशे से ये दूर रहें, अपनी तो यही दुआ है। तो ये थी भाई कानों की एक ओल्ड मार्केट, ओल्ड बाज़ार।
भाई लेके आए हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं पता नहीं। बकरी भी सन्नू बोलेगी क्या, सन्नू ये जो कपड़ा है उसको डाई किया करते हैं। दो भाइयों की लड़ाई हो गई है, डोंट क्राई बेबी। नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है वो विश्व में 7वें नंबर पे आती है। ये भाई मछली बेच रहा है, बहुत खतरनाक तरीके से चला रहे हैं भाई ये, पाले बेचने इधर। चलो यार, ये यैम बहुत यूज़ होता है इनके यहाँ पर खाने में। पीछे बकरी गायें मीट के लिए बेच रहे हैं, देने पड़ेंगे, बंदूक ले रखी है भाई इसने। ये पहले सबसे ऊंची बिल्डिंग थी नाइजीरिया की,